मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं आपका खास प्रोग्राम ट्रेंडिंग भोजपुरी। जी हाँ, अपने ट्रेंडिंग भोजपुरी के इस प्रोग्राम में हम आप सभी के लिए लेकर आते हैं कुछ ऐसी जानकारियां जो कि सोशल मीडिया पर आपके सुपरस्टार्स के फिल्म गाने या फिर उनकी फिल्म के ट्रेलर के साथ जुड़ा हुआ होता है या यूँ कह लें काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहता है। और हम आप सभी के लिए जो इस बार खबर लेकर आए हैं उसकी शुरुआत हम करने वाले हैं अपने भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे छोटे एक्टर और सिंगर यानी अरविंद अकेला उफ कल्लू। भाई, अरविंद अकेला उफ कल्लू के लिए अब लड़की खोजी जा रही है। बिल्कुल आप चौंकिए मत, उनकी शादी के लिए लड़की तो खोजी जा रही है लेकिन रियल में नहीं बल्कि रील में। बिल्कुल, उनका हाल ही में एक एल्बम रिलीज हुआ है जिसे एक दर्शकों की तरफ से इतना ज्यादा प्यार मिला है कि वो गाने ने एक दिन में 1 मिलियन व्यूज को क्रॉस कर दिया है। तो आखिरकार कौन सा है अरविंद अकेला उफ कल्लू का वो गाना जिसमें अरविंद अकेला उफ कल्लू के लिए लड़की खोजी जा रही है और क्या है उस गीत की इंटरेस्टिंग बातें, क्या है उस सॉन्ग की इंटरेस्टिंग बातें, ये हम आपको बताएंगे अपने इस रिपोर्ट में। देखिए हमारी रिपोर्ट। भोजपुरी के युवा स्टार अरविंद अकेला कल्लू इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। इसका कारण तो आप लोग खुद भी जानते होंगे, क्योंकि एक तरफ जहां कल्लू की एक से एक गाने सामने आ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ कल्लू की फिल्में भी लाइन बारी से सामने आ रही हैं। फिलहाल ही में कल्लू का गाया हुआ एक गाना सुनने को मिला जिसके बोल हैं कल्लू खातिर लड़की खोजाता। इस गाने में कल्लू के साथ खेसारी की एल्बम वाली हीरोइन डिंपल भी नजर आई। कल्लू का गाया हुआ ये धमाकेदार गाना दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है क्योंकि कल्लू के ऑफिशियल चैनल से एक दिन पहले ही ये गाना रिलीज हुआ है जिसे अब तक 9 लाख लोगों ने देख लिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कल्लू ने इस फिल्म में अपनी लाइफ से जुड़ी हुई कई बातों का भी जिक्र किया है और बताया है कि पापा के डर से कल्लू ने आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई। कल्लू के पापा किसी लड़की से कल्लू को मिलने भी नहीं देते। वेल, लगता है यही कारण है कि अक्सर कल्लू के साथ रिकॉर्डिंग स्टूडियो के बाहर भी उनके पापा दिखाई देते थे। तो देखा आपने दोस्तों कि किस तरीके से इस समय पर सोशल मीडिया पर हमारे अरविंद अकेला उफ कल्लू का हर गाना दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में बना हुआ है। अब यही देख लीजिए अरविंद अकेला उफ कल्लू का अभी हाल ही में फिल्म भी आने वाला है 25 मई को। उनकी फिल्म है आवारा बलमा, जिसमें वाकई में वो बलमा तो बने हैं लेकिन आवारा वाले, यानी कि इस बार हमारे अरविंद अकेला उफ कल्लू का जो ये फिल्म है काफ़ी दमदार रहेगा। खैर, अरविंद अकेला की तो बात हो गई, अब बात करते हैं हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के पुराने सिंगर पर नए एक्टर यानी कि प्रमोद प्रेमी यादव के बारे में। जी हाँ, प्रमोद प्रेमी यादव जहाँ पहले अपने गाने को लेकर चर्चाओं में थे, कुछ समय से वो अपनी फिल्मों की वजह से खबरों में बने हुए थे लेकिन एक बार फिर से वो चर्चाओं में आ गए हैं अपने गाने की वजह से। जी हाँ, प्रमोद प्रेमी का एक नया गाना रिलीज हुआ है जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में बना हुआ है और पब्लिक की तरफ से उसे अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। तो हम आपको दिखाएंगे दोस्तों आखिर कौन सा है वो गाना जो दर्शकों को आ रहा है पसंद और कौन सा गाना है जिसमें प्रमोद प्रेमी ने अपनी आवाज दी है। देखिए हमारी रिपोर्ट। अपनी पहली फिल्म से एक्टिंग का लोहा मनवाने वाले एक्टर प्रमोद प्रेमी लेकर आ रहे हैं एक और नई फिल्म और इस फिल्म का नाम है बॉर्डर के पार सजनी हमार, जिसमें प्रमोद का एक नया रूप देखने को मिलेगा। बता दें कि प्रमोद हमेशा ही अपने नए अवतार के लिए जाने जाते हैं और उनकी पहली फिल्म से ही वो लोगों के दिलो दिमाग पर राज करने लगे हैं और अपने बेहतर एक्टिंग की वजह से भोजपुरी के बड़े बड़े स्टार्स के बीच अपनी पहचान बनाने में सफल रहे हैं। और आज भी प्रमोद दिलों जान से एक्टिंग में कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करते रहते हैं और उनकी यही बात लोगों के बीच उनको एक सुपरस्टार बनाती है। बता दें कि उनकी पहली फिल्म चना जोर गरम से उन्हें काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी और उसके बाद से उन्हें ढेर सारी फिल्मों का ऑफर आने लगा और प्रमोद ने भी काफी सारी फिल्में साइन की और कई सारी फिल्मों की शूटिंग में बिजी भी हैं। और फिल्म बॉर्डर पार सजनी हमार के डायरेक्टर रितेश ठाकुर हैं जो कि उनकी पहली फिल्म चना जोर गरम के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। तो देखा आपने दोस्तों कि किस तरीके से हमारे प्रमोद प्रेमी जो है अपनी एक्टिंग से तो दर्शकों का दिल जीत ही रहे हैं लेकिन अपनी वो गायकी नहीं छोड़ रहे हैं बिल्कुल, और ये बहुत ही बखूबी बहुत ही अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हमारा अगला खबर जो है वो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के विवादों से घिरे रहे हुए सिंगर से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, विवादों से घिरे हुए पर आपको याद आ ही गया होगा, मैं बात कर रही हूँ संदीप तिवारी जी का, जिनका गाना अभी हाल ही में रिलीज हुआ है जिसका जो कि एक बेवफा
सफाई वाला गाना है, कह सकते एक दर्द भरा गाना है। जहाँ तक पहले उनके गाने में काफ़ी मस्त मौज वाला अंदाज होता था, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहते, तो वहीं इस बार अब हमारे संदीप तिवारी जी थोड़े सीरियस होते हुए नजर आए हैं। यानी कि इस गाने में उन्होंने वो दर्द भरा उन्होंने गाना गाया है, एक लव स्टोरी को उन्होंने दर्शाने की कोशिश की है, दिखाने की कोशिश की है कि आखिर किस तरीके से एक लव कपल एक दूसरे से जब जुदा होते हैं तो उनके जहन में कौन कौन सी बातें चलती हैं। और इसीलिए संदीप तिवारी ये अपना स्पेशल गाना लेकर आए हैं, तो हम आपको संदीप तिवारी से जुड़ी एक खास जानकारी शेयर करते हैं। देखिए रिपोर्ट हमारी। भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत से ऐसे सिंगर हैं जिन्होंने अपनी गायकी से हर किसी को अपना दीवाना बना दिया है, लेकिन इसी इंडस्ट्री में कुछ ऐसे भी सिंगर हैं जो कि अपने गानों की वजह से कम और विवादों की वजह से खासा चर्चाओं में बने रहते हैं। जी हां, आप सभी बिल्कुल सही सोच रहे हैं, मैं बात कर रही हूं संदीप तिवारी के बारे में, जिनका कुछ समय पहले एक बहुत ही दर्द भरा गाना रिलीज किया गया है, जिस गाने को सुनने के बाद आप लोगों की आंखें जरूर नम हो जाएगी। संदीप तिवारी का ये गाना रिलीज हुआ है जिस गाने के बोल हैं देखे जहर जैया, जिस गाने में एक लव कपल की प्रेम कहानी को बहुत ही बखूबी तरीके से दर्शाया गया है और इसमें खुद संदीप तिवारी भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल नज़र आ रहे हैं। वैसे अगर इस गाने में स्टार कास्ट की बात करें तो इस गाने में अपनी आवाज़ दी तो संदीप तिवारी ने दी है, साथ ही इस गाने को लिखा है लल्लू मिश्रा ने, और सोशल मीडिया पर जिन लोगों ने भी इस गाने को सुना है वो संदीप तिवारी का के इस गाने की जमकर तारीफ कर रहा है। तो देखा आपने दोस्तों कि किस तरीके से हमारे संदीप तिवारी काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में बने हुए हैं अपने गाने को लेकर, लेकिन अब उनका जो गाने का तरीका है, जो अंदाज़ है, वो थोड़ा बहुत बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। हम बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर, जो कि हमारी खबर हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के बेस्ट जोड़ियों में से रही एक जोड़ी, यानी कि देसी हीरो खेसारी लाल यादव के साथ उनकी फिल्मी हमसफर लैला काजल राघवानी से जुड़ी हुई है। जी हाँ, उनके अवार्ड शो 5 मई को होने वाले सिने अवार्ड शो की काफ़ी सारी डिटेल आपने देखी है, काफ़ी सारी जानकारियाँ आप सभी को मिली है। इसी बीच आखिरकार काजल राघवानी और खेसारी की जोड़ी एक बार फिर से खबरों में क्यों आ रही है, आखिर क्यों एक बार खेसारी और काजल की चर्चाएं उस अवार्ड शो के दौरान हो रही है, और क्या खेसारी लाल यादव को बेस्ट एक्टर के साथ जब काजल राघवानी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है, तो क्या कुछ कहना है इन दोनों का इस खास विषय को लेकर के, ये सारी जानकारी ये सारी बातें सोशल मीडिया पर जो हमारे दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं, और हम इसीलिए अपने इस प्रोग्राम में इस खबर को लेकर आए हैं कि आखिरकार जो खेसारी के फैंस हैं और उसके बारे में खेसारी लाल यादव की क्या प्रतिक्रियाएं हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। ये भोजपुरी के हिट जोड़ियों में से एक जोड़ी है खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी की, जो कि हमेशा से ही अपनी दोस्ती की वजह से खबरों में बने रहते हैं। जैसे कि इस बार खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी की बहुत समय के बाद एक साथ जोड़ी नजर आई है। जी हां, जो कि 5 मई को होने वाले अवार्ड शो के समय की है, जहां पर खेसारी लाल यादव को बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया, तो वहीं पर दूसरी तरफ काजल राघवानी को उसी अवार्ड शो में उन्हें बेस्ट हीरोइन का भी खिताब दिया गया। वैसे खेसारी और काजल की जो फोटो शेयर हुई है, उस फोटो में अगर उन दोनों के लुक की बात करें तो खेसारी ने व्हाइट कलर का ड्रेस पहन रखा है, साथ ही उनके गले में हमेशा की तरह सोने की काफी सारी चैन उन्होंने पहन रखी है, तो वहीं खेसारी के बगल में काजल राघवानी ने ग्रीन कलर की ड्रेस पहन रखी है, साथ ही उनके माथे पर जो उन्होंने जो गोल्ड कलर का टियर पहना है, उनकी खूबसूरती में वो 4 चांद लगा रहा है। और काफी समय के बाद खेसारी काजल को यूं एक साथ देखकर दोनों के फैंस भी काफी ज्यादा खुश हुए होंगे। तो देखा आपने दोस्तों कि किस तरीके से इस समय पर सोशल मीडिया पर हमारे सुपरस्टार्स और जो हमारे फिल्म होती हैं भोजपुरी की, उन्होंने अपनी पकड़ ऐसे बना ली है, तो इसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री वाकई में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, और ये बहुत ही खुशी की बात है। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री अभी आगे बढ़ रहा है, हर कोई कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे ही चीज़ें बदलती जाएंगी, ऐसे ही चीज़ों में कुछ नया बनाता जाएगा, और ऐसे ही हम आपको आपके सुपरस्टार से जुड़ी खास जानकारियाँ आप सभी से शेयर करते रहेंगे। लेकिन आज के खास प्रोग्राम में अब इतना ही। हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट लाइक शेयर करके बताइए, और साथ में कमेंट में लिख कर भी अपने दिल की बातें
बता सकते हैं। वैसे आज के प्रोग्राम में इतना ही, और आपको भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन का बटन दबा के उसे बेल आइकन का बटन दबाई ताकि जो लेटेस्ट अपडेट होते हैं वो आप सभी से मिस ना हो जाए और आप सभी को पूरी जानकारी सबसे पहले मिल सके। फिलहाल आज के खास प्रोग्राम में इतना ही, और आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।